हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी लोग का अपना YouTube चैनल में। दोस्तों जितने भी नए यूट्यूबर होते हैं जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, दोस्तों सभी लोग का सोच होता है कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए तो मेरा वीडियो वायरल हो जाए। दोस्तों वीडियोस वायरल होने के लिए लोग अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अच्छा तरह से थंबनेल हो, डिस्क्रिप्शन हो, टाइटल हो, टैग हो, सभी चीज लगाते हैं, फिर भी उनका जो वीडियोस वायरल नहीं हो पाता है। दोस्तों वीडियो जो वायरल क्यों नहीं हो पाता है आपको इस वीडियो में बताएंगे, और वीडियो कैसे वायरल होगा उसको भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको क्या करना होगा, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको बताते हैं, अगर आप जो आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, अगर आप हम एक आप क्या करते हैं, आप एक यूट्यूब ले लेते हैं, मतलब यूट्यूब मतलब ओपन करते हैं, उस यूट्यूब चैनल मतलब नया यूट्यूब चैनल आपका होना चाहिए, उस पर आप पहले से वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको जाना है वहां पर 5 वीडियो देख लेना है, भोजपुरी वीडियो। वो देखने के बाद क्या होगा कि जो भी आगे वीडियो आएगा वो भोजपुरी वीडियो ही आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, 5 स्टार्टिंग में 5 टेक्निकल वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो यूट्यूब है उस टेक्निकल वीडियो ही आना स्टार्ट हो जाता है। वो जो वीडियोस आना स्टार्ट होता है वो भेजता कौन है, वो यूट्यूब भेजता है, यूट्यूब भेजना स्टार्ट करता है। लेकिन दोस्तों यूट्यूब जो भेजता है वो टेक्निकल वाले को चुन चुन के भेजता है। जैसे आपका चैनल जो भी कैटेगरी का है, तो आपका चैनल या तो टेक हो, या तो ब्लॉग हो, या तो गेमिंग हो, मतलब कुछ भी कैटेगरी का आपका चैनल है, तो यूट्यूब को पता होना चाहिए कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वही बताएंगे कि आपका जो चैनल है किस कैटेगरी का है, यूट्यूब को कैसे पता चलेगा। तो आपको हम यूट्यूब स्टूडियो का एक सेटिंग बताएंगे, वो सेटिंग अगर आप अपने चैनल में कर लेते हैं तो यूट्यूब को पता चलेगा कि आपका जो चैनल है किस कैटेगरी का है, आपका वीडियो जो वायरल होना स्टार्ट होगा, आपका वीडियो हर जगह यूट्यूब भेजना भी स्टार्ट करेगी। लेकिन दोस्तों यूट्यूब जो वीडियो वायरल करती है वही वीडियो वायरल करती है जिसका ऑडियो रिटेंशन हाई हो, मतलब ऑडियो रिटेंशन जिसका ज्यादा होता है उसी को भेजती है। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि ऑडियो रिटेंशन क्या होता है, ऑडियो रिटेंशन को हाई कैसे करना है, वो सभी चीज आपको हम बताएंगे ताकि आपका वीडियो आसानी से वायरल हो सके। तो दोस्तों आज का इस वीडियो आप लोग को हम यूट्यूब स्टूडियो का कुछ सेटिंग के बारे में बताएंगे, वो सेटिंग को आपको सही तरह से अच्छी तरह से सही कर लेना है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लिया ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि क्या क्या सेटिंग कैसे कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों आगे हम वाले स्क्रीन पर आपको बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं यूट्यूब खोल लेना है। यूट्यूब खोलने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड कर लेना है, डेस्कटॉप मोड। जैसे डेस्कटॉप मोड कर लेते हैं, कर लेने के बाद आपको जो लोगो दाहिने साइड में सबसे ऊपर आपका लोगो दिखाई देगा चैनल का, वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यूट्यूब स्टूडियो ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या सेटिंग करना है। यहाँ पर देखिए यूट्यूब स्टूडियो आपका ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे में लास्ट में आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए आपको न्यू यूट्यूबर सपोर्ट, यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या क्या हम लगा रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर कीवर्ड्स, देखिए हम कितना सारा कीवर्ड्स का यूज किए हैं। कीवर्ड्स आपको बताते हैं, न्यू यूट्यूबर सपोर्ट, टेक्निकल वीडियो, टेक वीडियो, यूट्यूब ट्रिप्स, यूट्यूब चैनल, फास्ट ग्रो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ग्रो, यूट्यूब चैनल ग्रो, सब्सक्राइबर इंक्रीज, यूट्यूब चैनल, टेक सपोर्ट, टेक ट्रिक्स एंड ट्रिप, मतलब इतना सारा चीज़ हम लिख रखे हैं। तो इससे क्या लगेगा, यूट्यूब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना चैनल का नाम लगा देते हैं और चैनल को आगे पीछे करके अपना नाम वहाँ पर देते हैं कि नहीं। दोस्तों वहाँ पर आपको जिस कैटेगरी का चैनल है वो सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। लिखने के बाद क्या होगा कि आपका जो चैनल है ग्रो होने का जल्दी मतलब चांस रहेगा, इस तरह से आपको लगा देना है, मतलब हर एक चीज़ में लिख देना है। कुकिंग हो तो जिस चीज़ मतलब जो चीज़ ज़्यादा आप कुकिंग पर डालते हैं वो सभी लगा देना है। गेमिंग का हो तो आपको बहुत सारा गेमिंग का नाम लिख देना है, मतलब एजुकेशन है, अगर यदि आपका चैनल एजुकेशन का है, ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में आप अच्छी तरह से लगा दीजिए, ठीक है, मतलब जिस क्लास का एजुकेशन आप देते हैं वो क्लास के बारे में डाल दीजिए, मतलब कौन सा आपका सब्जेक्ट है वो सब डाल दीजिए, मतलब कौन सा बुक पढ़ाते हैं वो डाल दीजिए। इस तरह से क्या करना है आपको यहाँ पर बहुत सारा लगा देना है। ये लगाने के बाद जो है आपका चैनल का वीडियो भी वायरल होने का चांस रहेगा, आपका वीडियो भी वायरल होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो जो वायरल होती है, वीडियो वायरल होने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑडियो रिटेंशन जो होता है, ऑडियंस रिटेंशन, उसको हाई करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा, ऑडियंस रिटेंशन को हाई कैसे करना है और आपका वीडियो उसको आसानी से वायरल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लिया ताकि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।